हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान ओके पे। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एम एस रमैया मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु की फीस स्ट्रक्चर और टोटल MBBS BDS सीट के बारे में पूरी जानकारी। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, ऐसे एम एस रमैया मेडिकल कॉलेज जो भारत के टॉप मेडिकल कॉलेजों में से एक है और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से ये एफिलेटेड है और मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। और जो कोर्स यहाँ कराए जाते हैं MBBS और MD MS और PG डिप्लोमा के कोर्स यहाँ कराए जाते हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए यहाँ कितनी सीटें अवेलेबल हैं। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, UG कोर्सेज में MBBS के लिए 150 सीटें यहाँ अवेलेबल हैं और 4.5 साल का ये कोर्स है और 1 साल की इंटर्नशिप है। और PG डिप्लोमा कोर्सेज के लिए यहाँ देख सकते हैं MD के लिए 58 सीटें हैं। और इसी प्रकार आप और कोर्सेज के लिए भी देख सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस आप देख सकते हैं, आपको सबसे पहले आपके नीट का जो एग्ज़ाम आपने दिया है उसके माध्यम से आपको आपका जो स्कोर कार्ड जो आपका बन रहा है उसके हिसाब से आपको अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको काउंसलिंग में जाना है, उसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं इस कॉलेज के लिए। और एज क्राइटेरिया जो है, आपकी एज 17 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए 31 दिसंबर 2018 को, तभी आप MBBS और BDS कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, UG कोर्सेज के लिए 10+2 है, किसी भी स्टेट बोर्ड से या किसी भी बोर्ड से आपने 10+2 किया हो, आपके जो सब्जेक्ट हैं वो PCB बायोटेक आदि आपके होने चाहिए, 50% नंबर के साथ में आपका 10+2 होना चाहिए। और PG कोर्सेज के लिए जो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, MBBS की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और साथ ही आपने नीट पीजी का जो एग्ज़ाम होता है वो आपका क्लियर होना चाहिए। और फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, MBBS कोर्स के लिए आप ये देख सकते हैं, गवर्नमेंट सीट जो है उनके लिए ये आप देख सकते हैं 1,09,800 रुपये ये पर एनुअल फीस है। और इसमें सारी फीसें हैं, ट्यूशन फीस, यूनिवर्सिटी फीस जो भी है। और प्राइवेट सीट के लिए जो फीस है ये आप देख सकते हैं, टोटल फीस जो है 6,95,550 प्राइवेट सीट के लिए टोटल फीस है। और NRI सीट के लिए 40,12,450 रुपये फीस है। और बाकी सीट के लिए भी आप देख सकते हैं। इसी प्रकार आप PG कोर्सेज के लिए फ़ीस देख सकते हैं। और आपको जो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले आपको कर्नाटका एजुकेशन अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाना है, यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद आपको अपनी जो चॉइस होती है सीट के लिए उनको आपको लॉक करना है, उसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए जाना है और इसके बाद आपको एडमिशन मिल पाएगा। तो दोस्तों, अगर आप किसी और स्टेट से हैं और अपने स्टेट की मेडिकल कॉलेज की फ़ीस स्ट्रक्चर MBBS सीट के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपके स्टेट के हिसाब से लिंक उपलब्ध करा रखे हैं, आप वहाँ से जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको इसी प्रकार की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।